गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों रात को काफ़ी लेट हो गया था और हाईवे था और बाइक चलाना मुझे ठीक नहीं लगा तो मैं राजसमंद में ही रुक गया दोस्तों। हालांकि मैं जा रहा था चित्तौड़, लेकिन दोस्तों जब मैं जयसमंद से आ रहा था तो बीच में कई जगह नेटवर्क इशू इतना आया और अंधेरा होने की वजह से कई लोग मिले नहीं, तो मैं गलत रास्ते पर आ गया। तो चित्तौड़ की बजाय मैं ऐसी जगह पर आ गया जहाँ से राजसमंद नज़दीक था, तो दोस्तों मैं राजसमंद ही आ गया और राजसमंद आया हूँ। अभी एक कमरा लिया है मैंने, सुबह की 8 बज चुकी अब तो, और रात भर अच्छे से सोया, यह ठीक था। वरना नाइट में गाड़ी चलाना अजमेर हाईवे, क्योंकि पूरा हाईवे है दोस्तों और करीब करीब 4 घंटे और लगते तो मैं करीब 1-1.5 बजे पहुँचता, तो बाइक चलाना मुझे ठीक नहीं लगा, पर ठीक था, मैं अच्छे से सोया यहाँ पर। तो दोस्तों अब मैं राजसमंद में हूँ तो मैं आपको राजसमंद की एक फेमस चीज़ दिखाऊंगा जो सिटी के बीच में ही है। और दोस्तों एक फेमस चीज़ और है जो वर्ल्ड फेमस है, और वो है दुनिया की दूसरी दीवार यानी कुंभलगढ़ फोर्ट की। तो दोस्तों कुंभलगढ़ फोर्ट की ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ और उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। पर पहले इस वीडियो को देखते जाइएगा क्योंकि ये सिटी के बीचों बीच में है और वो वीडियो अपने आप में बहुत फेमस है। और दोस्तों उस वीडियो पर भी आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, और धन्यवाद उस प्यार के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं हो गया हूँ रेडी और नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा बाहर चल के देखते हैं यहाँ का फेमस नाश्ता क्या है राजसमंद का, तो वो नाश्ता करते हैं। बाकी नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ, तो चलें। भाई यहाँ पर नाश्ते का है क्या आसपास? कुछ दुकानें हैं कुछ नाश्ते की? तो यहाँ पे लोग क्या खाते हैं ज़्यादा? पोहे ज़्यादा खाते हैं। तो फ्रेंड्स भाई बता रहा है पोहे ज़्यादा खाते हैं, तो बाहर चलते हैं और पोहे खाते हैं क्योंकि जो फेमस चीज़ है उसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों ये कुछ मार्केट का सीन है यहाँ पे, हालांकि अभी शॉप पूरी खुली नहीं है, कुछ देखते हैं नाश्ते के लिए। और दोस्तों ये जो पूरा एरिया है ये पुराना बस स्टैंड नाम से जाना जाता है, ये राजसमंद का पुराना बस स्टैंड एरिया है दोस्तों। और अपनी होटल ये है, ये वाली होटल है अपनी, इसके बैक साइड पे ही हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कुछ नाश्ते के लिए मिल जाए तो। पोहे दिख रहे हैं यहाँ पर, पोहे करते हैं अपन। भैया राजसमंद का फेमस नाश्ता क्या है, पोहे है या ये ढोकला है, ये क्या बोलते हैं इसको, खमन क्या है, दोनों में से क्या फेमस है? तो चलो मुझे पोहे दो। पोहे कैसे दिए, एक प्लेट? तो एक प्लेट 15 वाली दे दो मेरे पे, पोहे दे दो। तो फ्रेंड्स बैठते हैं अपनी, जब तक पोहे लगते हैं। ये है पूरा नाश्ता अपना, आ गया नाश्ता, पोहे के साथ में ये थोड़ा सा खमन भी देंगे और एक पपड़ी सी है ये भी देंगे। फ्रेंड्स ये तो एकदम नई चीज़ है क्योंकि मैंने तो सिर्फ पोहे पोहे खाए होंगे या खमन खमन खाया हुआ है, पपड़ी उपड़ी खाई होगी, पर ये तीनों मिक्स करके दिया जाता है यहाँ पे और साथ में होती है मिर्ची भी। ये है पूरा नाश्ता यहाँ का फेमस नाश्ता, इसको खाया कैसे जाए। मेरे साथ में एक भैया बैठे हैं, भैया यहीं के हैं कि राजसमंद के? जी मैं राजसमंद से हूँ और यहाँ पे बहुत स्वादिष्ट नाश्ता मिलता है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ पड़ती है, ये फेमस होटल है कागल बस स्टैंड। तो ये पुराना बस स्टैंड पे फेमस शॉप है दोनों। और क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सर किशन भाई। किशन काफ़ी टाइम से हम यहाँ नाश्ता करते हैं और ये फेमस होटल। हाँ पर हम लोगों के वहाँ पे ना चम्मच जरूर देते हैं साथ में। नहीं हम इसको बड़े टेस्ट से खाते हैं, अच्छा लगता है। भैया राजसमंद में देखने के लिए क्या क्या जगह है? सिटी में सर हमारे यहाँ पर राजसमंद झील है जो एशिया की, पुराना बस स्टैंड से कितने दूर है यहाँ से? सर 500 मीटर दूर होगी यहाँ से, 5 मिनट का ही रास्ता है भैया बता रहे हैं। तो क्यों फेमस है वो राजसमंद झील? वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। द्वारकाधीश मंदिर देखो ना, वही झील है, द्वारकाधीश मंदिर फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ये भी सिटी में ही है? ये भी पास में है, सब पास में ही है। चलो तो फिर झील, मैं तो सिर्फ झील ही देखने आया था, तो चलो द्वारकाधीश मंदिर भी देख के आएंगे।
फ्रेंड्स नाश्ता तो अब मैंने कर लिया है और पास में चाय है तो चाय पियेंगे अब। ये भी पुराना बस स्टैंड पे सब फेमस चाय है यहाँ पे। चाय भी ले ली अपन ने और चाय के पास में इधर समोसे पैक हो रहे हैं और इधर वो है पूरे नाश्ते का है पूरा इधर माहौल। तो दोस्तों नाश्ता और चाय दोनों हो चुका है और ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, सामने ही होटल है अपनी, यहीं पे रुका हूँ। पर दोस्तों रात में मैं हो गया परेशान क्योंकि रात में मैं काफ़ी लेट हो गया था रूम लेने में। उसके बाद में खाने के लिए मेरे को बहुत चक्कर काटने पड़े क्योंकि यहाँ पे सब शॉप बंद हो चुकी थी। फिर भी यहाँ पे एक शिव शक्ति भोजनालय है जिसने बताया वो खुला हुआ था और वहाँ चला गया। वहाँ का खाना भी अच्छा था और अच्छा टेस्ट था। दोस्तों नाश्ता करके मैं आ चुका हूँ अब झील के पाल पे और ये सामने बड़ी सारी झील है दोस्तों। हालांकि मैं सुबह सुबह आया हूँ इसलिए लोग यहाँ पर कम हैं, पर दोस्तों दायरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी झील है दोस्तों मीठे पानी की। यहाँ से रास्ता बंद है पर इधर से खुल रहा है, मैं चल के देख के आता हूँ। यहाँ पे कुछ क्वार्टर्स बने हुए हैं अभी तो बंद है, चलिए एक बार नीचे चल के आते हैं। लगभग पूरे नीचे तक आप जा सकते हैं सीढ़ियों से ऊपर के। ये पूरे घाट ही हैं, बस अभी सुबह का टाइम है इसलिए लोग नहीं है। बाकी जो ये घाट है इधर सामने की तरफ दिख रहे हैं और ये वाले यहाँ पे तो बहुत हलचल रहती है और वहां से बोटिंग भी होती है। तो फ्रेंड्स कुछ बच्चे मिले हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा पार्क है उस तरफ आगे चल के, तो एक बार वो पार्क भी देख लेता हूँ बच्चों के साथ जाकर के। तुम्हारी छुट्टी है, है? नवरात्रि की छुट्टियां लग गई तुम्हारी और अर्धवार्षिक हो गई तुम्हारी, है? अर्धवार्षिक हो गए। क्या हो गया इसको? वहां तू मेरी मोटरसाइकिल का ध्यान रखना, हो वहां पर बैठ जा। मैं अजमेर, अजमेर आए हो तुम कभी? अभी तक नहीं। आ जाओ किसी दिन। तो यहाँ तक तो गाड़ी आ रही है, यहाँ तक गाड़ी कैसे नहीं लेके, अपन भी लाते गाड़ी। ला सकते थे आप, पर जमा जमा है गाड़ी। उधर से रास्ता है क्या? पार्क किधर है? ऊपर क्या है? ऊपर तो बस ये है। तो ये पूरा पथवे बना हुआ है दोस्तों यहाँ का, राजसमंद लेक का पूरा पथवे है ये और उसके नीचे की तरफ जो है गार्डन है उधर। तो दोस्तों ये वीडियो थी राजसमंद झील के नाश्ते की और राजसमंद झील की। दोस्तों जाना तो मुझे घर था पर रात में लेट होने की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा था, पर एक्सपीरियंस अच्छा रहा और इस वजह से मुझे मालूम पड़ा कि कैसे कैसे वैरायटी नाश्ते हमारे राजस्थान में मिलते हैं। पहली बार ही मैंने खाया पोहा, पोहे के साथ में खमंड और कुछ पपड़ी, ये तो मैंने पहली बार ही खाया और पर हाँ टेस्ट अच्छा था, अच्छा लगा खा करके। और अब दोस्तों मैं निकल रहा हूँ घर के लिए क्योंकि मुझे पहुँचना तो घर ही था सीधा, तो रात में लेट होने की वजह से मेरे को रुकना पड़ा था राजसमंद में। तो दोस्तों चलते हैं घर पे और तैयारी करते हैं नेक्स्ट ट्रिप की। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिएगा। चलिए बाय।